श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है, शुद्ध चैतन्य ही सत्य है और इसका ज्ञान जिसको हो गया है वह व्यक्ति व्यवहार नहीं कर सकेगा। इस प्रश्न को लेकर के त्रिपुरा रहस्य का यह 22वां और अंतिम अध्याय प्रारंभ हुआ। तो इसको प्रश्न पूछा कि किंतु ते ज्ञात तत्वस्य कथम स्थितिरियं भवेत्, कथम ज्ञात सुविज्ञेयः व्यवहार परायणः। जिसने स्वरूप को पहचान लिया है वो व्यवहार कैसे करेगा, वो तो चुप होके बैठेगा। ऐसी जब बात कही तो बताया गया कि देखो अभी आपकी भ्रांति गई नहीं, इसीलिए ऐसे प्रश्न आते। और फिर क्या है, व्यवहार वशात ज्ञानम बाध्यते च तथा कथम पुरुषार्थस्य लाभस्यात् स्वप्न ज्ञानेन समयेन वै। यदि अपने स्वरूप का ज्ञान होने से व्यवहार होना बंद हो गया तो वह ज्ञान स्वप्न ज्ञान के जैसा था। जैसे सपने में हमको किसी वस्तु की उपलब्धि हानि होती है और जब स्वप्न नष्ट हो गया तो वह उपलब्धि हानि दोनों गायब, इसी प्रकार से तत्व का यदि हमको अनुभव हो गया तो ये जागृत जगत क्या गायब हो जाएगा। इसको वेदांत शास्त्र में दो शब्दों से कहते हैं। एक को कहते हैं सोपाधिक भ्रम और एक को कहते हैं निरुपाधिक भ्रम। तो जो निरुपाधिक भ्रम है वह भ्रम नष्ट होने के बाद दृश्य नष्ट हो जाता है। जैसे जो कॉमन एग्जांपल है रस्सी और सांप, तो आपको रस्सी की सांप के भ्रांति के रूप में प्रतीति हुई और आपने उस सांप को मारने के लिए डंडा उठाया, टॉर्च लिया और पता चला कि वो सांप नहीं था, रस्सी है। तो जहां हमको उस रस्सी के सांप की असलियत पता चली तो उसके बाद सांप गायब हो गया। लेकिन दूसरे प्रकार का भ्रम होता है, वो भ्रम कैसा है, वो भ्रम है कि मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं है फिर भी वैसा ही दिखेगा, यह दूसरे प्रकार का भ्रम है। इसको लेकर के अब आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं। कहते हैं सर्वोपि व्यवहारोऽयं ज्ञानमाश्रित्य संभवेत्, तज्ज्ञानं बाध्यते केन कथं तन्मे समीरय। देखो जितना भी व्यवहार है, चाहे ज्ञान का हो माने समझदारी का हो, चाहे अज्ञान का हो माने भ्रांति का हो, सभी के सभी व्यवहारों का आधार वही एक शुद्ध चैतन्य है। और यह जो शुद्ध चेतना है ये व्यवहार के सत्यत्व और मिथ्यात्व इसका इस शुद्ध चेतना पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए सर्वोपि व्यवहारोयम ज्ञानमाश्रित्य संभवेत। स्वप्न का मिथ्यात्व जिस चेतना से प्रकाशित होता है
उसी चेतना से जागृत का सत्यत्व प्रकाशित होता है। जिस चेतना से मुझे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो अंग्रेजी के अज्ञान को प्रकाशित किया जाता है, वही चेतना मुझे संस्कृत के ज्ञान मुझे है इस ज्ञान को भी प्रकाशित करती है। माने यह शुद्ध चैतन्य जो है यह भाव अभावात्मक सभी प्रतीतियों का प्रकाशक है, और इसलिए सर्वोपि व्यवहारोयम, सभी प्रकार का व्यवहार, व्यवहार केवल दो प्रकार का है। एक व्यवहार है प्रवृत्ति स्वरूप और दूसरा है निवृत्ति स्वरूप। प्रवृत्ति स्वरूप व्यवहार होता है जब हम इस जगत को ग्रहण करके उसको सत्य मान करके उसके प्रति आकर्षित होते हैं या उससे दूर भागते हैं। तो जगत के प्रति आकर्षित होना या दूर होना ये कब संभव है? जब हमने जगत के अस्तित्व को सत्य माना है, और जब हमारी प्रतीति कुछ भी हो और हमें पता है कि ये सत्य नहीं है, तो क्या होगा? उस वस्तु के प्रति ना तो आकर्षण होगा ना तो द्वेष होगा। इसी प्रकार से यह जो शुद्ध चेतना है उसी पर सबका सब व्यवहार आश्रित है। सर्वोपि व्यवहारोयम् ज्ञानम् आश्रित्य संभवेत् तज्ज्ञानम् बाध्यते के तेन कथम तन्मे समीरय। इसलिए यह जो ज्ञान है यह उस व्यवहार से बाधित कैसे हो सकता है? माने यह ज्ञान उस व्यवहार से बाधित नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार का आधार ही वही तत्व है। चेतना है तब जागृत अवस्था, चेतना है तब सपना अवस्था, चेतना है तब सुषुप्ति अवस्था, चेतना है तब समाधि, चेतना है तब कोमा। तो यह चैतन्य इन सभी अवस्थाओं का आधार होने के कारण इनके द्वारा बाधित नहीं होती। इसलिए ये जो हमारी भ्रांति है कि जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है वो व्यवहार कैसे करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्या हम अपने साथ व्यवहार नहीं करते? हाथ से खाना उठाया, मुख में डाला, ये व्यवहार ही तो है। तो खिलाने वाला हाथ और खाने वाला मुंह, इसमें भेद कहां हुआ? भेद नहीं हुआ, लेकिन व्यवहार किसमें हो रहा है? केवल भेद में। इसीलिए व्यवहार का अपने स्वरूप के स्थिति के द्वारा हमेशा समर्थन ही होता है, और इसीलिए यह व्यवहार इस स्वरूप को, चैतन्य को, चिति को, संवित को कभी भी निराकृत नहीं कर सकता। सो तज्ज्ञानम बाध्यते तेन कथम तन्मे समीरय। आगे कहते हैं, ज्ञानम तदेव ही भवेत् यत्रेदं भासते जगत् संकल्पाद व्यवहारो ही ज्ञाने सर्वं प्रकाशते। असल में देखा जाए ज्ञानम ही तदेव भवेत् यत्र इदं भासते जगत्। यह संपूर्ण जगत जिसमें भास रहा है वही तो चैतन्य है, वही तो ज्ञान है। देखो, केवल पत्थर, एक पत्थर है उसके बगल में दूसरा पत्थर पड़ा है, उसमें व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार होता है जहां चैतन्य की अभिव्यक्ति है। देखो, इसीलिए इदम सर्वम जगत, यह संपूर्ण जगत, ज्ञानम एव तत्र इदम भासते, यह संपूर्ण जगत इस चेतना के साम्राज्य में ही भास रहा है। और कैसे भास रहा है? कहते हैं संकल्पाद व्यवहारो ही, केवल संकल्प के कारण व्यवहार हो रहा है।
इसलिए भगवद गीता में ध्यान की प्रक्रिया में ये बात बताते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, अशेषतः संपूर्ण रूप से जितने भी कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती है, भूख लगना यह संकल्प से उत्पन्न कामना नहीं है, खाने को अमुक अमुक ही होना, वो नहीं हुआ तो गुस्सा करना, तो यह जो मेनू की कामना है वो संकल्प से है, और जो भूख की कामना है, प्यास की कामना है, वह संकल्प प्रभव कामना नहीं है। इसलिए संकल्पात व्यवहारो ही ज्ञाने सर्वम प्रकाशते, और यह सभी का सभी व्यवहार और उस व्यवहार का मूल संकल्प ये उसी एक चेतना में भास रहे हैं। देखो कभी कभी ऐसे लगता है इतनी सहज बात है क्यों समझ में नहीं आती। देखो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, मन ज्ञान स्वरूप है, तो दोनों में फर्क क्या है? केवल एक फर्क है, संकल्प युक्त ज्ञान को मन कहते हैं, संकल्प रहित ज्ञान को चैतन्य करते कहते हैं। तो साधना क्या है? संकल्पों का त्याग कर लो। संकल्प का त्याग कैसे होगा? जब हम इस जगत में दर्पण के जैसे रहते हैं, केवल उपलब्धि की अनुभूति, इस उपलब्धि के अनुभूति के पश्चात जब कमेंट्री बंद हो जाती है तो हम चैतन्य में है। लेकिन गड़बड़ी क्या है? कोई भी चीज उपलब्ध हुई, कि न्यूज़पेपर पढ़ा या कोई वस्तु देखी, तो देखने के बाद वहां चुप हो जाओ तो आप समाधि लग गई, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। लेकिन कोई भी वस्तु देखा, समझा, सुना, उसके ऊपर तुरंत कमेंट्री शुरू और मन तैयार हो गया। इसलिए ये बहुत बड़ी साधना है जो हमने सातारा वासियों को दी। अब समझ से कितने बता रही, प्रॉब्लम क्या है? हमको एक सज्जन ने बताया, स्वामी जी आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप कब सच और कब झूठ बोलते समझ में नहीं आता। तो हमने उनको बताया कि गुड़ गया अरे चुप रहा, बोलना बंद करो, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। तो संकल्पान व्यवहारो ही ज्ञाने सर्वम प्रकाशते। तो संकल्प आया, अच्छा आया, बुरा, चला गया। जो हमको समस्या हुई संकल्प के कारण हुई, और उसी के कारण सब व्यवहार हुआ। तो जहां हमारा ध्यान इस संकल्प के आधार पर है, वहां हम अपने स्वरूप में स्थित है। और इसीलिए जो राम नाम की साधना करते हैं, श्री राम श्री राम, यह शब्द का अर्थ जब प्रकट होता है तब जीवन में रस आता है, और जब अनर्थ प्रकट होता है, जय श्री राम, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, तो अनर्थ प्रकट हो गया। देखो इसलिए अपने प्रत्येक संकल्प का प्रारंभ कहां से होता है, अस्तित्व किसमें होता है, और उसका अंत किसमें होता है, इधर ध्यान रखें।
शब्द और संकल्प अनेक है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कितने अनेक हो गए। ये अनेक क्यों हो गए? क्योंकि दो श्री रामों के बीच में एक शांति है और यह जो शांति है वह अखंड है, वो एक ही प्रकार की है और इसीलिए बाहर के जगत के दृष्टि से कहेंगे तो विषयों का त्याग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अंदर के जगत में कहेंगे तो संकल्पों का त्याग और संपूर्ण अनुभूतियों के रूप से कहेंगे तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि, इन चारों का त्याग। इन चारों का जो अधिष्ठान है वह चिति, वह चैतन्य, वह संवित हमेशा अकाट्य है। इसको एक बार मात्र पहचान लेने से फिर व्यवहार में खोट नहीं आती। सो संकल्पाद व्यवहारो ही ज्ञाने सर्वं प्रकाशते, असंकल्पेन तद्रूपम अनुलक्ष्य धिया सकृत कृतार्थो बंध निर्मुक्तो भवति इति सुनिश्चयः। इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं असंकल्पेन तद्रूपम अनुलक्ष्य धिया सकृत। सकृत माने एक ही बार, सिर्फ एक बार हमको करना है। क्या? असंकल्पेन, संकल्प या वृत्ति रहित जो चेतन सत्ता है उसको केवल एक बार लखना है, ताड़ना है, पहचानना है। एक ही बार सकृत असंकल्पेन, और एक बार आप इसको ठीक से पहचानो तो जहां आप बैठे हैं वही आप उसी क्षण उसी स्थान पर उसी परिस्थिति में आप अपने स्वरूप में निष्ठा पा गए। उसके लिए आसन विशेष की आवश्यकता नहीं, प्राणायाम विशेष की आवश्यकता नहीं, दान धर्म की आवश्यकता नहीं, तीर्थ क्षेत्रों के भ्रमण की आवश्यकता नहीं, डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, शादी करने की आवश्यकता है। देखो महाराज, यह इतना सहज है, इसमें एक छटाक का भी प्रयत्न नहीं है। असंकल्पेन तद अनुलक्षम, इसीलिए ये जो साधना बताते हैं लय विक्षेपयो हो संधौ मनस्तत्र निरामिषम स संधि साधितो येन समुक्तः नात्र संशयः। भगवान शंकराचार्य कहते लय विक्षेपयोहो संधौ, संधि माने जोड़, एक विचार शांत हो गया श्री राम और दूसरा विक्षेप आया श्री राम, तो पहला श्री राम खत्म हुआ, दूसरा श्री राम प्रारंभ नहीं हुआ। उसकी जो संधि है वहां मन निर्विकल्प होता है। निरामिषम माने वेजिटेरियन, ससंधि इसको योग की भाषा में कहते हैं मध्य विकास। हमारा मध्य प्रदेश विकास है,
यह जो मध्य है उसको पकड़ो। आपने उसको पकड़ा तो आप गायब हो जाओगे, क्योंकि मैं का जन्म होता है वृत्ति के साथ। जहां वृत्तियों का उठना बंद हो गया है, यह वृत्ति रहित चेतन सत्ता ही अपना स्वरूप है। अब मुझे बताओ इसके लिए कहां जाने की जरूरत है? इसके लिए कुछ करने की जरूरत है? ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। सब गायब हो जाता है। फिर मुझे इस चक्र में वो हो रहा, एक चक्र खुल गया, दूसरा खुल गया, छह के छह बटन खुल गए, क्या करूं? लगा लो। उस चक्र में मत पड़ना। अब आपकी जो सबकी स्थिति है ना, आपने एक चीज देखी होगी, मैंने दो तीन बीच में जोक मारे लेकिन आपको हंसी नहीं आई। मैंने जोक इसीलिए मारे, आप अब हंस नहीं पाओगे। वृत्तियों का निर्माण होना बड़ा कठिन होता है यदि आप इस चैतन्य में निष्ठा प्राप्त कर लेते हो। लेकिन ये उधारी का धंधा है। जूते पहनने के बाद फिर वैसा ही शुरू हो जाएगा। सेम थी। इसलिए असंकल्पेन तद्रूपम अनुलक्ष्य। जहां जहां डिप्रेशन है, एक्साइटमेंट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वहां वहां हम संकल्पों के, वृत्तियों के गुलाम हो गए। ये सब की सब विकृतियां केवल वृत्तियों में है, वृत्तियों के कारण है, और वृत्तियां है प्रकृति में, प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। जब तक के यह मूल बात गले नहीं उतरती, तब तक के भटकना ही भटकना है, भटकना ही भटकना है। फिर यहां से वहां चले गए, एक महात्मा के पास गए, उसका मंत्र लिया, हाँ हाँ जी हाँ जी, फिर वहां घुस घुस किया, लेकिन फिर वहां हमको जितना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला। फिर वहां से दूसरे महात्मा के पास गए, वहां घुस घुस किया, इनर सर्कल में पहुंच गए, लेकिन वहां भी जितना इम्पोर्टेंस चाहिए उतना नहीं मिला। कल परसों मुझे एक अम्मा मिली, उन्होंने किसी संस्था का नाम लिया, हम नहीं बताएंगे, और कहा स्वामी जी आपका उनके बारे में क्या विचार है? हमने कहा हमको विचार करना ही है तो भगवान का करेंगे, लोगों का क्यों करेंगे? बोले स्वामी जी उनका ये जो वाक्य है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? हमने कहा इस वाक्य का अर्थ ये है कि उनको भगवान ने अपॉइंट कर दिया है कि दुनिया का उद्धार करो, और आपको जो ठीक लगे उनको रखना, जो खराब लगे उनको मार देना, ये इसका अर्थ है। बोले स्वामी जी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में थी 10 साल तक, मेरे से उन लोगों ने लाखों रुपए इकट्ठे किए और मुझे धक्का मार के निकाल दिया, अब मैं आपके पास आ गई हूं। हमने कहा लोग धक्का खा के हमारे पास आते और मालूम है क्या करते? हमको धक्का देते। देखो इस जगत में फंसो मत कहीं, कहीं हमको किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से देना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। तो जहां आपकी यही साधना, इसीलिए हम हमें 1000 बार बताते आश्रम में मत जाना, पागलखाने में कौन जाता है समझदार? सैनिटोरियम में कौन जाता है हेल्दी?
आश्रम में कौन जाता है? भगवान का भक्त नहीं, जो विभक्त है वो वहां जाकर के दुकान खोल देते हैं। अपने घर में रहो और वहीं तत्व का चिंतन करो। पूरे त्रिपुरा रहस्य का पहले से आप लोगों ने यहां नहीं सुना है, सुन लेना, उसकी सीडी उपलब्ध है। उसमें देखेंगे पत्नी जो है वो गुरु है। अच्छा, फिर तो मैं डेफिनेटली सुनूंगी। और जो पति है वो शिष्य है। और उसमें से देखो एक एक प्रसंग इतने रोचक है कि पता चलता है कि हम केवल कल्पना करते हैं कि इस बाबा जी के पास, उस बाबा जी के पास गए, फिर ये मंत्र शुरू कर दिया, कुछ दिन के बाद मजा नहीं आया, जरा अच्छा दूसरे बाबा जी जरा पावरफुल लगते हैं, फिर पावरफुल बाबा जी के पास गए, फिर वहां दूसरा मंत्र लिया, वहां भी इनर चक्कर में फंसे और एकदम उनको टेंजेंट आउट बाहर निकाल दिया। उसके बाद तीसरे बाबा जी के पास गए। और ऐसे व्यक्ति जब मिलते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति को लेटेस्ट फैशन के अनुसार विश करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट मंत्र क्या मालूम पड़ जाता है। पहले हरिओम कहेंगे, फिर जय श्री कृष्ण कहेंगे, फिर और बदला, उसके बाद अनुष्य 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 होगा, एक के बाद एक बदलते जाता है, समझ लेना गुरु का ब्रांड बदल गया। सबसे बड़ी साधना यही है, संकल्पों के त्याग में जो है उसको पकड़ो तो मालूम है क्या होगा, कुछ पकड़ में नहीं आएगा। जैसे आंखें जब अपने आंखों को देखना प्रारंभ करती है तो आंखें गायब हो जाती है, इसी प्रकार से मन जब अपने स्वयं को संकल्प के द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न करता है तो संकल्प रहित हो जाता है। और जैसे मन संकल्प रहित हो गया वही तो चैतन्य है, कहीं नहीं जाना है। मन और चेतना में उतना डिस्टेंस है जितना पत्नी और स्त्री में है। अपनी स्पष्ट समझ लेना। और जितना समय एक पत्नी को स्त्री होने में लगता है उतना समय अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानने में लगता है। इसीलिए असंकल्पेन तद्रूपम अनुलक्ष्य धिया सकृत कृतार्थो बंध निर्मुक्तः भवति जीवः। उसी क्षण आप कृतार्थ हो गए। कृतार्थ हो गए माने अब आपको इस दुनिया से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। देखो जब कुछ लेना देना नहीं होता ना तो बड़ा हल्का हल्का लगता है। एक लड़का था फॉरेन का, अब वो बड़ा हो गया, मिडिल ईस्ट का था, बहुत प्यारा और एकदम चब्बी चब्बी, और जैसे मैं उसको देखा, लिया उसको किस करने के लिए, तो उसके गाल पर यहां एक कोई तो भी स्किन डिसीज था, खुजली इत्यादि ऐसा कुछ तो भी था। जैसे मैंने, अरे क्या हो गया, बोले स्वामी जी उसको पिछले 4-6 साल से है सब दवाइयां किए नहीं जाती। हमने कहा हम जादू करते हैं, और हमारे पास कोई दवाई थी हमने दे दी, इसको लगाओ और वो ठीक हो गया। अच्छा, वो ठीक होने के बाद अब उस बच्चे को पहले आदत थी क्योंकि खुजली आती थी, और जब ठीक हो गया उसके बाद भी वो हमेशा ऐसे करता है। उसकी माँ कहती अब खुजली नहीं है। अच्छा अच्छा देखो हमको खामोखाम विचार करने की आदत पड़ी है। जब मन को खुजली होती है तब विचार आते हैं। देखो, और धीरे धीरे इस बात को समझ लो
तो क्या होगा? कहते हैं कृतार्थ बंध निर्मुक्त, जो उनमें जो कुछ खुजलाना था हो गया, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, ना ही जगत में कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। व्यवहारात अयम वादहा, इस स्थिति में नित्य निरंतर रहना यही जीवन की मस्ती है। अब इसमें भगवान को मत लाओ खींच के बीच में। तो कृतार्थो बंध निर्मुक्तहा, बंधन किस बात का है? बंधन इसी मय का है जो देहात्म भाव से पैदा होता है। जब हम निसंकल्प होते हैं तब देहात्म भाव नहीं होता, और जब देहात्म भाव नहीं होता तब मैं नहीं होता, और जब मैं नहीं है तो बंधन में कौन है? इसलिए जो हम आपको कई दिनों से इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, मैं को मुक्त करने का प्रयत्न मत करना। मैं की मुक्ति भ्रांति है, मैं से मुक्ति वास्तविकता है। असंकल्पेन तद्रूपम अनुलक्ष धिया सकृत कृतार्थो भव बंध निर्मुक्तः भवती इति सुनिश्चयः। इसलिए शांत जहां जैसे बैठे, जैसा आपको टाइम मिला, टाइम ही टाइम है तो फिर आप 24 घंटे मेडिटेशन में और क्या। कोई भी संकल्प इत्यादि आवे उसको कोई महत्व मत देना। इसका उदाहरण आपको दे, अभी हम कहा गए थे सातारा में, वहां मुझे एक सज्जन ने बताया, बोले स्वामी जी आप आने के पहले यहां अमुक अमुक महात्मा आ गए थे और हमको वैसे ही लगा कि कई बार लोग थोड़ा लेट आते हैं तो वो बहुत गुस्सा करते थे। बोले आप तो कोई कभी भी आए कभी भी जाए गुस्सा नहीं करते, ऐसा क्यों? हमने कहा क्योंकि हमको ज्ञान हो गया है। बोले किस चीज का? जो आके बैठते हैं वो कहाँ सुनते हैं। और जो उठ के जाते हैं उनको क्या खोता है? कुछ नहीं। तो कोई आए या कोई जाए क्या फर्क पड़ता है? और महत्व की बात, चिंतन हमको करना है कि पब्लिक को करना है? यदि आप लोग हमारे सामने ना हो तो हमको चिंतन करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं। तो आप जो हमारे सामने आकर के बैठते हो ये तो हम पर बहुत बड़े उपकार है। जिसके प्रति आदर की भावना होती है उसके प्रति तिरस्कार और क्रोध नहीं हो सकता। और यदि हमारे दिमाग में कीड़ा आ जाए हम आपको सिखाने जा रहे हैं तो फिर गुस्सा आएगा। यू शुड बी डिसिप्लिन एज रिगार्ड आई एम कंसर्न आई एम ऑल राइट। देखो भैया साधना, इसीलिए हमने पहले दिन बताया ना, बोलते समय ब्रह्म, बोलने के बाद ब्रह्म। जितना जगत में रहते समय आप दृष्टा भाव से रहेंगे, जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना आपको प्रभावित न करे, तब जाकर के आप शांत होकर के बैठो तो किसी भी प्रकार के संकल्प आपको विक्षेपित नहीं करेंगे। और जब किसी भी प्रकार का संकल्प आपको विक्षेपित नहीं करता तो अपने आप शांत हो जाता है। संकल्प की शक्ति है उसको महात्म्य देना। और जहां आपने किसी भी संकल्प को लेकर के एकदम उपेक्षा से रहे, अच्छा संकल्प आए या न आए,
बुरा आए या ना आए, हमको कुछ लेना देना नहीं है, तो अपने आप सभी संकल्प शांत हो जाते हैं। ऐसा ही व्यक्ति क्रोध को जीतता है। कई बार ऐसी भ्रांति हम लोग अपने क्रोध का समर्थन करने के लिए करते हैं। इस क्रोध को लेकर के हमने बहुत अनुसंधान किया, अनेक महात्माओं से मिले, और हर एक ने जो बताया वो इसी प्रकार से है कि देखो महाराज, एक महात्मा जी ने हमको बताया, क्रोध पर नियंत्रण का तात्पर्य क्रोध आना नहीं, या क्रोध पर नियंत्रण का तात्पर्य क्रोध का आना बंद होना भी नहीं। फिर क्या है? बोले जब चाहे तब क्रोध हमको ला सके, उसको कहते हैं क्रोधों पर नियंत्रण। दूसरे महात्मा से पूछा, उन्होंने कहा क्रोध निर्माण ही नहीं होता। देखो दूसरे पर क्रोध करना यह आवश्यकता कब होती है? जब दूसरे को अपने से अलग स्वीकार किया और उसको सुधारने का प्रयत्न किया, या कुछ व्यवहार है, कुछ करना करवाना है, तब जाकर के आप क्रोध का जस्टिफिकेशन दोगे। जैसे हमारे दांत हमारे जिह्वा को काटते हैं तो उसमें क्रोध आता है क्या? नहीं। तो असली तात्पर्य क्या है? क्रोध की तो छोड़ो, किसी भी वृत्ति का कोई भी प्रभाव नहीं, तब जाकर के हम अपने शुद्ध चैतन्य में बैठे। कृतार्थो भव बंधन निर्मुक्तः भवति इति निश्चयः, तस्मात् ब्रह्मन्नते प्रश्नः समन्तोयम् सुबुद्धिभिः पुनस्त्वं प्राह वसुमान नृपसूनुम् महाशयम्। इसलिए हे पंडित जी, हे ब्राह्मण, हे विप्रवर, आपका जो प्रश्न है, क्या प्रश्न था उनका? कि यह ज्ञान होने के बाद व्यवहार कैसे संभव है? यह आपका प्रश्न ही गलत है। व्यवहार का और इस ज्ञान का कभी विरोध नहीं है। व्यवहार अपने स्थान पर है और ज्ञान अपने स्थान पर है। ये होने के पश्चात पुनः फिर से उन्होंने प्रश्न पूछा उस हेमांगत को। सत्यम राजकुमार तन मया अपि इत्थम सुनिश्चितम स्वरूपम निर्विकल्पम ही संवेदनम इहोच्यते। हे राजकुमार, आपने ठीक ही कहा, मेरा भी यही निर्णय है कि यह जो संवेदना है, यह जो चिति है, यह जो अपने होने का भान है, यही सत्य है। इसको मैं एकदम स्वीकार करता हूं कि अपना स्वरूप निर्विकल्प संवेदना। निर्विकल्प संवेदना माने वह ज्ञान जो किसी भी विकल्प को निर्माण नहीं करता। विकल्प का अर्थ शास्त्रों के अनुसार है वस्तु शून्य विकल्प। विकल्प माने वस्तु नहीं होती। जैसे अब मैं लेक्चर के बाद घर जाऊं या सिनेमा जाऊं, तो घर जाऊं या सिनेमा जाऊं ये विकल्प है, और उसमें घर जाना या सिनेमा जाना ये कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से कहते हैं स्वरूपम निर्विकल्पम ही। निर्विकल्प का तात्पर्य हो गया कि अपना जो स्वरूप है शुद्ध संवेदना, उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, किसी प्रकार की कल्पना नहीं है। ये मैंने भी समझ लिया। अब इसके बाद मेरा प्रश्न ये है, सविकल्पत्वम आपन्ने पुनः भ्रांति कुतो नहीं? विकल्प एव ही भ्रांति ही यथा रज्जो भुजंगमः। हे राजन, हे राजपुत्र, ये तो ठीक है, लेकिन सविकल्पत्वम आपन्ने, लेकिन इस चेतना पर फिर यदि विकल्प संकल्प
फिर यदि निर्माण हो जाते हैं तो फिर से भ्रांति होनी चाहिए। देखो इसको ठीक से समझ लेना, जब हम चैतन्य स्वरूप रहते हैं, किसी भी प्रकार के वृत्तियां नहीं है, निसंकल्प निर्विकल्प, तब तो हम अपने स्वरूप में स्थित है, मुक्त है। लेकिन जब फिर उसके ऊपर में यदि संकल्प विकल्प आने लग गए तो फिर भ्रांति होगी ना। तो ये उनका प्रश्न है, सविकल्पम आपन्ने पुनः भ्रांति कुतो नहीं, विकल्प एव ही भ्रांति, क्योंकि आप ही ने बताया, सब जानते हैं कि ये जो संकल्प विकल्प है यही तो भ्रांति है। जैसे उदाहरण देते हैं, यथा रज्जो भुजंग महा, जैसे रस्सी पर सांप का विकल्प। तो ऐसे थोड़ी एक बार आपने रस्सी को समझ लिया कि यह रस्सी है, सांप नहीं है। विवेक चूड़ामणि में ये विचार आता है, एक विद्यार्थी ने सीख लिया, क्योंकि वेदांत माने क्या, रस्सी और सांप। सांप विद्यार्थी के लिए काटने के लिए दौड़ता है, और रस्सी गुरु को अपने आप को हैंग करने के लिए, दोनों का सत्यानाश। तो एक बार एक विद्यार्थी ने खूब सुना, रज्जू सर्प रज्जू सर्प रज्जू सर्प, और उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि जहां जहां सर्प दिखता है वो रज्जू ही होती है। और एक बार महात्मा जी निकले अपने आश्रम से, और सामान बांधने के लिए रस्सी लेनी थी, तो था सांप। बोले हाँ बहुत देखे सांप, रस्सी होती है, सांप को पकड़ा बांधने के लिए, तो कैसा मजा आया होगा। तो कहते हैं, एक बार यदि हमने रस्सी को रस्सी के रूप में पहचान लिया, ये सांप नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी है क्या कि दूसरे बार रस्सी देखेंगे और सांप की कल्पना नहीं करेंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से एक बार तो हमने अपने को चैतन्य स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर वृत्ति आई तो फिर भ्रांति हो गई ना। ऐसा आज उन्होंने प्रश्न पूछा। तो श्रुणु ब्रह्मन, अब राजकुमार जी उनको फटकारते हैं, श्रुणु ब्रह्मन न जानासी भ्रम अभ्रम विनिर्णयम, आपको तो यह भी मालूम नहीं है कि भ्रांति किसको कहते हैं। लो, भ्रांति के बारे में भ्रांति, डबल PhD, आपको तो यह भी मालूम नहीं कि भ्रांति किसको कहते हैं महाराज। अब देखो कितना उसको गुस्सा आ गया होगा, मैं इतना पढ़ा लिखा बाबा जी हूं और मैं ब्रह्म राक्षस था, मैंने बड़े बड़ों लोगों को हराया था तर्क के द्वारा, और ये कल का लड़का आकर के मुझे ऐसा बना रहा है। और यहां तक उसने कहा, श्रुणु ब्रह्मन न जानासी भ्रमा भ्रम विनिर्णयम गगने नीलिमा भाति गगनम जानताम अपी। अब हमने आपको जो दूसरा उदाहरण दिया था सोपाधिक और निरुपाधिक भ्रम को लेकर के, जब हम रस्सी को देख लेते हैं तो जो सांप है उस पर दिखने वाला वो गायब हो जाता है, एक भ्रम की निवृत्ति इस प्रकार से होती। दूसरा भ्रम कैसा है, यहां उदाहरण दिया है, गगने नीलिमा भाती गगनम जानताम अपि, जिन्होंने ये जान लिया है आकाश का अपना कोई रंग नहीं होता, उन्होंने ये जानने के बाद भी उनको आकाश नीला ही नजर आएगा। देखो, तो गगने नीलिमा भाति गगनम जानताम अपि, एंड व्यवहारम च कुर्वन्ति नीलम नभैति क्वचित। और जब ये जगत के साथ व्यवहार करते हैं तो वो भी ऐसे ही कहेंगे कि आहा देखो आज का आकाश कितना एकदम नीला साफ है।
तो तावदैव तु तज्ज्ञानम न भ्रांति ही अभिधीयते। तो यह जो ज्ञानी पुरुष का व्यवहार है कि आकाश का अपना कोई रंग नहीं होता, फिर भी आकाश हमको नीला दिखता है, और अज्ञानी को भी आकाश नीला ही दिखता है, लेकिन जब अज्ञानी आकाश को नीला कहता है तो वह भ्रांति है, और ज्ञानी जब आकाश को नीला कहता है तब वह ज्ञान है। देखो, जैसे एक अज्ञानी नहीं जानता कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित होने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त की भ्रांति होती है। उस अज्ञानी के दृष्टि से सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। दूसरा एक फिजिक्स वाला है और उसको ये मालूम है, मालूम होने के बाद भी उसको सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे के तैसे दिखेगा, लेकिन जब अज्ञानी कहता है सूर्योदय सूर्यास्त, तो उसका यह जो ज्ञान है यह भ्रांति है। और जो ज्ञानी है, जो जानता है कि सूर्य का उदय अस्त नहीं होता, पृथ्वी की गति उस सूर्य पर अध्यारोपित करी है, वह जो कहता है कि सूर्योदय हुआ सूर्यास्त हुआ, तो वह भ्रांति नहीं है, वह ज्ञान है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। सो अतद्वज्ञे ही सा भ्रांति, तत्वज्ञे सा प्रमा एव। तो व्यवहार में जो ज्ञानी का व्यवहार है वह ज्ञान की अभिव्यक्ति है, और वह ज्ञान की अभिव्यक्ति होने के कारण ज्ञानी व्यवहार में दुखी नहीं होते। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। और अज्ञानी उसी जगत में व्यवहार करते हैं और दुखी होते। कारण क्या है? ज्ञानी के व्यवहार में यह मालूम है कि यह सब नाटक चल रहा है, और अज्ञानी को लगता है कि यह रियली हो रहा है। इसीलिए अतत्वज्ञे ही सा भ्रांति, भ्रांति तत्वज्ञे सा प्रमा एव ही। हत प्रामाण्य जीवम तज ज्ञानम मृत महाईवत। और इसीलिए इसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं कि यह जो आकाश की नीलिमा अज्ञानी के लिए भ्रांति और ज्ञानी के लिए जो प्रमा या ज्ञान है, और इसीलिए ज्ञानी के लिए आकाश नीला है, इसका अर्थ कैसा है? मरे सांप के जैसा। कहने के लिए तो सांप कहेंगे, लेकिन वो मरा होने के कारण हमको डसेगा नहीं। इसी प्रकार से यह जगत ज्ञानी को मरे हुए सांप के जैसा मालूम है, और इसीलिए यह जगत ज्ञानी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। और जब ज्ञानी पर ये जगत कोई प्रभाव नहीं डालता, तो वो इस जगत को ना तो अच्छा कहता है ना तो बुरा कहता है। आपको याद है भागवत महापुराण हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें अंत में जाकर के जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश किया बद्रीनाथ जाने के पहले, तो उन्होंने अंतिम उपदेश ये दिया था, इस जगत में ना किसी को अच्छा कहो ना किसी को बुरा कहो, इस जगत में ना किसी को आओ आओ कहो ना किसी को जाओ जाओ कहो, फिर क्या कहो? गॉड्स ग्रेस। कल परसों हमको कोई मिले, स्वामी जी मुझे बीच में ही जाना पड़ रहा है तो मैं अब जा रही हूं लेक्चर छोड़ करके। हमने कहा थैंक गॉड। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे? हमने कहा हम हर चीज के लिए गॉड को थैंक करते, तुम जा रही हो बहुत अच्छा है, चली जाओ शांति रहेगी, यहां कोई आया है बहुत अच्छा है, जा रहा है बहुत अच्छा है। धीरे धीरे इस जगत से आप प्रभावित होना बंद हो जाओगे, और ये केवल एक बार होना है।
इसके लिए हमने आपको दो उदाहरण दिए। कोई भी व्यक्ति तैरना केवल एक बार सीखता है, ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस हजार बार करेगा लेकिन तैरना एक ही बार सीखेगा। उसी प्रकार से बाइसिकल पर बैठना भी एक ही बार सीखते हैं, दो बार नहीं। फिर कितने भी साल आप मत चलाओ, आप भूलोगे नहीं। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को केवल एक बार पहचानना है, और वो पहचानने के बाद यह जो जगत का ड्रामा है ये चल रहा है। तो हत प्रामाण्य जीवन तज ज्ञानम मृत महाहिवत दर्पण प्रतिबिंबस्य व्यवहार समो भवे अभिज्ञस्य अनभिज्ञस्य चाप्यतोस्ति विदातयो हो। और फिर इस ज्ञानी का इस जगत का व्यवहार कैसा है, कहते हैं दर्पण प्रतिबिंबस्य व्यवहार समो भवे। जैसे हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब देख करके व्यवहार भी करते हैं। पान खाने के लिए गए और वहां चारों तरफ से दर्पण होते हैं, दैट इज रिमोट कंट्रोल टू होल्ड द कस्टमर। तो फिर कस्टमर क्या करता है, जैसे शिवाजी महाराज तलवार निकालते थे, ये अपने जेब से कंघी निकालता है और कंघी निकाल करके व्यवहार हो रहा है। तो जब दर्पण में जब वो अपने प्रतिबिंब को देखता है तो दर्पण के बाल ठीक नहीं करता, उसका ध्यान अपने स्वरूप में है। इसी प्रकार से ज्ञानी का ये जो व्यवहार है यह जगत को देखने के बाद वह अंतर्मुखी आत्मसमर्पित होता है। इसको एक बार पकड़ लो। हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को देखते हैं, अपने से बाहर गए, दूर गए, वस्तु को अनात्म रूप से जाना। और जब दर्पण को देखते हैं तो दर्पण को नहीं देखते, अपने को देखते हैं। ज्ञानी वह है जो जगत के दर्शन के बाद जगत को नहीं देखता, अपने को देखता है। कारण विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व चैतन्य के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे दर्पण का पृष्ठ ही दर्पण में प्रतिबिंबित प्रत्येक वस्तु बन जाता है, दर्पण का पृष्ठ वही है, वही आकाश बनता है, वही वायु बनता है, वही अग्नि बनता है, वही जल बनता है, वही पृथ्वी बनता है, वही आकाश का पृष्ठ जो है वही सजीव प्राणी बनता है, वही ईंट पत्थर नदी नाले बनता है, वही गति बनता है, वही स्थिति बनता है, पृष्ठ एक ही है। इसी प्रकार से एक ही चेतना में गति स्थिति जड़ चेतना अपना पराया मित्र और दुश्मन इस सभी के सभी उसी एक चैतन्य में केवल प्रतिबिंब के समान दिख रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत देखा जाए तो जैसे दर्पण के प्रतिबिंब के प्रत्येक वस्तु की असलियत दर्पण का पृष्ठभाग ही होता है। दर्पण की चौड़ाई कितनी है, 1 mm 2 mm, और उसमें जो गहराई होती है वो हजारों मील होती है। इसी प्रकार से इस ज्ञानी का जो व्यवहार है, दर्पण प्रतिबिंबस्य व्यवहार समो भवेत अभिज्ञस्य अनभिज्ञस्य चाप्यतोस्ति भिदातयो हो। इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी में यही भेद है। क्या भेद है, ज्ञानी जब जगत को देखता है तो अपना दर्शन करता है, और ज्ञानी जब जगत को देखता है तो अपने को भूल करके जगत में भटकने लग जाता है।
जो अनुभव हमको अपने स्वरूप में स्थित करता है वह ज्ञानी का अनुभव है, और वह अनुभव जो हमको अपने स्वरूप से दूर भटकाता है वह अज्ञानी का अनुभव है। देखो, अनुभव अनुभव ही है, दोनों जगत देख रहे हैं, लेकिन एक जगत को देख करके जगत में भटक रहा है और दूसरा जगत को देख करके अपने स्वरूप में स्थित हो रहा है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने यह व्यक्त और अव्यक्त रूप से स्वरूप को पूर्ण रूप से पहचान लिया है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः। ज्ञानी का प्रत्येक अनुभव समाधि की स्थिति है, ज्ञानी का प्रत्येक वाक्य मौन की प्रतिष्ठा है, ज्ञानी का प्रत्येक कर्म निष्कर्म की पराकाष्ठा है। कारण वो अपने स्वरूप से कभी भी नहीं भटकता। इसीलिए अभिज्ञस्य और अनभिज्ञस्य, तो ज्ञानी और अज्ञानी जो है इनमें यही भेद है। क्या भेद है? ज्ञस्य प्रमा एव तज्ज्ञानम, अज्ञस्य तु भ्रमात्मकम्। जगत को देख करके ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होता है और जगत को देख करके अज्ञानी इस जगत में भटकता है। देखो, जब जगत को देख करके हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो जगत से भागने की क्या जरूरत है? आपको याद है भागवत में एक उदाहरण दिया था, एक गरीब आदमी के झोपड़ी में एक कहीं छेद था, छप्पर में घास लगी हुई थी और जाड़े के दिन थे तो सभी की सभी अंदर में ऊ करके सो रहे। अब कौन उठ के देखे कि सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी एक छेद में से एक छोटा सा सूर्य किरण उस झोपड़ी के अंदर में घुसा तो उससे पता चलता है बाहर सूर्योदय हो गया है। इसी प्रकार से यह जगत की अनुभूति से इस जगत का जो अधिष्ठान है शुद्ध चैतन्य, उसके तरफ हमारा ध्यान एक क्षण में चला जाता है। ज्ञस्य प्रमा एव तज्ज्ञानम्, तो जगत को देख करके ज्ञानी समाधि में रहता है और अज्ञानी जगत के उपाधि में भटक करके अपने को संसारी बनाता है। ज्ञस्य प्रमा एव तज्ज्ञानम्, अज्ञस्य तु भ्रमात्मकम्। और जो अज्ञ है, जो अज्ञानी है, वो इस जगत को लेकर के भटकता है और फिर उसके लिए यही समस्या है कि ये जगत खराब है, इसको हटा देना चाहिए। काहे को हटा देना है? यदि हमारे जिह्वा को दांतों ने काटा तो हटाओ दांतों को, चलो डॉक्टर के पास, नहीं। इसी प्रकार से इस जगत का होना और हमारा होना, यह जो चेतन सत्ता है वह एक ही है। इसमें वृत्तियों के कारण आत्मभाव और अनात्मभाव, इसकी भ्रांति उत्पन्न होती है। जहां निसंकल्पत्वेन हमने संकल्पों का त्याग करके आत्मा अनात्मा के भेद का जो अधिष्ठान है चैतन्य, उसको पहचान लिया है, उसके बाद व्यवहार में लगे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञस्य प्रमा एव तज्ज्ञानम्, तो यह जो द्वैत का ज्ञान है, यह
ज्ञानी पुरुष की निष्ठा है अद्वैत की, और यह जो द्वैत का ज्ञान है यह अज्ञानी के लिए बंधन है। हमारे संत ज्ञानेश्वर कहते हैं अद्वैत के निष्ठा का कैपिटल इन्वेस्टमेंट यदि नष्ट ना होवे और द्वैत के डिविडेंड्स मिले तो क्या नुकसान है। देखो कहीं जाना नहीं है, चित्तवृत्ति निरोधा योगा, चित्तवृत्ति को बांध के क्यों बांध के रखो, आने दो ना। देखो जैसे सुनामी आवे या थोड़ी सी लहर आवे पानी पर कोई प्रभाव नहीं है, इसी प्रकार से ये वृत्तियों को ठीक से समझ करके वृत्तियों का जो आधार है उसको पकड़ लेना। इसीलिए आप जितने भी जप साधना करते हो इस पर ध्यान रख करके करना, कहां से प्रारंभ होता है और कहां अंत होता है, फिर कहां से प्रारंभ होता है कहां अंत होता है, तो आपको पता चलेगा प्रत्येक वृत्ति का प्रारंभ और अंत एक ही स्थान से होता है और वह एतद्वैतत्। बहुत धीमी धीमी, कोई जल्दीबाजी नहीं। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, यह जो शुद्ध चेतना है इसकी हानि किसी भी प्रकार के वृत्तियों से नहीं होती। जैसे समुद्र रूप में रहने से पानी पर कोई प्रभाव नहीं, जैसे लहर रूप में रहने से पानी पर कोई प्रभाव नहीं। पानी समुद्र में डूबने के लिए डरता नहीं और लहरों को टूटने से मरता नहीं, इसी प्रकार से अपना यह जो शुद्ध चेतन अस्तित्व है हमेशा ज्यों का त्यों है। इस निष्ठा में ज्ञानी पुरुष हमेशा रहते हैं। इसीलिए आपने जो प्रश्न पूछा महाराज कि वो तो ठीक है एक बार ज्ञान हो गया और फिर उस चेतना पर वृत्ति आ गई तो फिर भ्रांति नहीं होगी, तो आपको समझ भी नहीं आया कुछ। इसीलिए वो स्पष्ट कहते हे ब्रह्मन आपको भ्रम के बारे में भ्रम है। भ्रम किसको कहते हैं, तो ज्ञस्य प्रमा एव तज्ज्ञानम अज्ञस्य तु भ्रमात्मकम, और ज्ञानी नाम ज्ञानमेव स्यात् सर्वोपि व्यवहारकः। इसीलिए सभी प्रकार के व्यवहार करते हुए भी ज्ञानी का व्यवहार ज्ञानात्मक होता है और अज्ञानी का व्यवहार भ्रमात्मक होता है। देखो अज्ञानी का व्यवहार भ्रमात्मक कैसे होता है, हम सोचते हैं कि हमारे करने से हमारे बच्चे सुधरेंगे और इसीलिए बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों पर अच्छे संस्कार डालने के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। एक हम आपको उदाहरण सुनाते, एक हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। देखो ये सत्य है जो हम बता रहे हैं, अमेरिका में रहते थे और जब उनके बच्चे बड़ी लड़की थी आठवीं में
दूसरी थी सातवीं में और लड़का था छठवीं में, तीन बच्चे। अब इस पाश्चात्य देशों में संस्कार ठीक नहीं होते, इसीलिए दोनों माइग्रेट हो गए इंडिया में और बच्चों को बड़ा किया। बच्चे इतने सुंदर, इतने अच्छे, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। 2004 में उस लड़के को यूएसए का यंग साइंटिस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला, इतना जीनियस। इतना सब होते हुए भी शादियां उन्होंने अपने मां बाप के सिलेक्ट किए हुए लड़के लड़की से की, लव मैरिज के चक्कर में, और उन्होंने भी बहुत अच्छे बच्चों को ढूंढा और लड़के से शादी कर दी। शादी होने के बाद हिंदुस्तानी लड़की अमेरिका गई, 6 महीने में अपने पेरेंट्स को बुलाया, वापस आ गई, एक शब्द बोलने की उसकी इच्छा नहीं, वापस आ गई, डायवोर्स। दूसरी लड़की बहुत इंटेलिजेंट, एमडी हो गई, शादी हो गई, 5 साल हो गए, 5 साल के बाद एक बच्ची पैदा हुई, 15 दिन के बाद सेपरेशन। अब वो जो मुझे मिले, बोले स्वामी जी अब हमको बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं, अब मुझे बताओ, आपने बड़ा अच्छा एजुकेशन दिया, आपने बड़े अच्छे संस्कार दिए, आपने स्वयं ढूंढ करके ठोक पीट करके अपने लिए बहू ले आए, अपने लिए जवाई ले आए, क्या हुआ? लेकिन हमको लगता है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस जगत को देखने का, समझने का एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है। क्या है? ये सब नाटक चल रहा है। इस जगत को लेकर के कोई भी रिएक्शन मत करना। जब रिएक्शन करते हैं तो हम अपने लिए परेशानी खड़े करते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण दूं आपको, किसी के बच्चा नहीं था तो हम ये बच्चों को गोद में लेने की विरोधी है, हमको वो फिलॉसफी बिल्कुल पसंद नहीं। तो एक ने किसी को गोद लिया और गोद लेने के बाद वो लड़की अब अपनी जो गोद ली हुई मां है उसका सर खाने लग गई 1 साल के अंदर, इतना कि उस मां को लगता है कि मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स करके निकल जाऊं। तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी सब क्या हो रहा है? हमने कहा यू आर हैविंग द सेम बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर सफरिंग। बोले कौन सा? ABMM, आ बैल मुझे मार। काहे को इस चक्कर में पड़े हो? इसलिए ये जगत में जो हो रहा है ना, बढ़िया है। बच्चे है तो ठीक है, दुखी रहो, बच्चे नहीं है तो ठीक है, दुखी रहो। दुखी होना कॉमन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ज्ञस्य प्रमा तज्ज्ञानम अज्ञस्य तु भ्रमात्मकम्, ज्ञानी नाम ज्ञानमेव स्यात् सर्वोपि व्यवहारकः, दर्पण प्रतिबिंबानाम व्यवहारेण सम्मितः, अभिज्ञानम अतोस भूयो नहि भ्रांते हे समुद्भवः। इसलिए यह ज्ञान एक बार हो जाए उसके बाद भ्रांति कभी नहीं हो सकती। जैसे दो या उन्होंने जो उदाहरण दिया है, उदाहरण है जैसे आकाश की नीलिमा, पहले भले सत्य लगती हो, मालूम होने के बाद दिखेगी लेकिन उसमें से सत्यत्व निकल जाएगा। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को पहचानने के बाद भी जगत दिखेगा, लेकिन जगत को जो हमने सत्य मान के रखा है, अपने को जो जीव मान के रखा है, ईश्वर को जो अपने से दूर ढकेल दिया है, ये सब भ्रांतियां गायब हो जाएगी। देखो महाराज, और जब हमने देखा कि यह जगत नाम की कोई वस्तु अपने से अन्य नहीं है, ध्यान से सुनना,
जगत के साथ झगड़ा, द्वेष, क्रोध इसलिए होता है कि उसको हमने अपने से अन्य मान के रखा है। जहां जगत को हमने आत्म रूप से पहचान लिया, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, उसके जीवन में जगत को लेकर के द्वेष का निर्माण नहीं होगा और द्वेष की अभिव्यक्ति क्रोध के रूप में कभी नहीं होगी। इसलिए समझ लेना, इसका अभ्यास करना है कि यदि देखो, जैसे हर एक बाथरूम में हम जाते हैं जिनके यहां भी, तो एक चीज जरूर होगी, भले बाथरूम में टैप नहीं होगा, पानी नहीं होगा, एक चीज जरूर होगी, वेइंग मशीन। वहां जाकर पहले आज कितना वजन है, हाँ ठीक है, बढ़ गया कम हो गया। तो जितना ध्यान हम अपने वजन का करते उतना ध्यान अपने ज्ञान का करें। गुस्सा आया, अरे 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 गुस्सा आ गया, इसका मतलब अभी मैं मन के वृत्तियों के साथ भाग रही हूं। द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ योर एंगर, एंगर डिसअपियर्स। जहां हम अपने क्रोध के बारे में सावधान हो जाते हैं, क्रोध गायब हो जाता है और धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको यह संवित अपनी जो स्वरूप की स्थिति है इसमें कभी भी खोट नहीं आएगी। सो दर्पिण प्रतिबिंबानां व्यवहारेण सम्मितः अभिज्ञानमतो भुजो नहि भ्रांते हे समुद्भवः। इसलिए ज्ञानी का व्यवहार समुद्र दर्पण में प्रतिबिंब के समान है। अब दर्पण में प्रतिबिंब के समान, इसके दो अर्थ निकालो। एक तो ऐसा, दर्पण प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, एक बार मुझे एक अमेरिकन ने एक कहानी सुनाई। अभी मैं गया था वहां योगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो ही सेड, हे स्वामी यू आर प्रेटी फनी। दिस इज अ टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन्स, ए पर्सन हु इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, दे कॉल हिम फनी। हे स्वामी यू आर लॉट ऑफ फनी गाय। आई सेड यस, आई विल टेल यू जोक, एंड व्हेन अमेरिकन्स टेल ए जोक यू हैव टू लाफ, बिकॉज देर मे बी जीरो इन द जोक बट दे बिकम ए जोक देमसेल्फ। सो ही स्टार्टेड, शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, और जोक खत्म हो गया उसका और मैं खड़ा रहा। यू आर नॉट लाफिंग, इज इट ए जोक? जोक होने के बाद लाफना पड़ता है, ये जब कहना पड़ता है तो जोक नहीं होता। इसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद ये दुनिया प्रभाव करती है तो वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का कार्टून है। इसीलिए यह दर्पण प्रतिबिंबानां व्यवहारेण सम्मितः। तो यह जो ज्ञान है इसको दो प्रकार से समझ ले। पहला, जैसे दर्पण प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो उस व्यक्ति ने मुझे जो जोक सुनाया था वो इस प्रकार से था, कह दू ना आपके दिमाग में वही रहेगा कौन सा जोक था कौन सा जोक था। बोले एक आदमी ने अनाउंस किया कि जो दूसरे का सबसे बड़ा इंसल्ट करेगा उसको प्राइज मिलेगी। राजा ने अनाउंस किया, तो एक सज्जन को कहा कि भाई राजा को कहा ये आदमी बहुत इंसल्ट करने में उस्ताद है, उसको बुलाओ। बोले ठीक है बुलाओ। सब लोग आ गए और राजा ने उसके तरफ देखा और कहा तुम सुअर हो। अब सबके सामने कह दिया तुम सुअर हो तो इंसल्ट हो गया। तो इस साधु पुरुष ने, ज्ञानी ने कहा कि तुम साक्षात भगवान हो। तो राजा कहता देखो मैंने तुम्हारा इंसल्ट किया, मैं जीत गया, अब तुमको मरना पड़ेगा। बोले नहीं, इंसल्ट आपने मेरा किया कि मैंने आपका किया? बोले कैसे?
आंखों में क्या दिखता है जो आप होते हैं। तो जब आपने मुझे कहा मेरे आंखों में देख करके कि तू सुअर है, क्योंकि आंखों में आपने अपना ही प्रतिबिंब देखा, और मैंने जो कहा कि आप साधु संत साक्षात भगवान है क्योंकि मैं वैसा हूं इसलिए आपकी आंखों में देखा, आपका इंसल्ट हुआ। तो दर्पण के प्रतिबिंब को समझने की दो प्रक्रिया, एक दर्पण प्रतिबिंब के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला ज्ञान इस जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। दूसरा, दर्पण का पृष्ठ भाग ही सब कुछ बनता है, इसीलिए दर्पण में किसी भी प्रतिबिंब के प्रति राग द्वेष नहीं होता। इसी प्रकार से जिसका यह ज्ञान निष्ठावान हो गया है उसके अंतकरण से राग द्वेष हमेशा के लिए मिट जाते हैं। राग द्वेष मिट गए, वृत्तियां शांत, और उसके बाद आपकी स्वरूप की स्थिति कभी भी नहीं घटेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।